हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, पॉलिटिक्स की आग में जलते जलते गाइस हमें भूलना नहीं चाहिए रूट्स को। लेट्स गो विद द कुरान वीडियो बाय डॉक्टर इसरार। क्या ओ या स्टिल काउंटिंग, 10-11-12 दिन हो चुके हैं एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। बेचारे कितनी मेहनत करके एक एक करके वोट गिन रहे हैं, एक 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 दिन लग रहा है उनको एक एक। ओह माय गॉड, द बिगेस्ट स्कैम एवर। Let's start the video, Dr. Sir Ahmed. पता चल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है अभी इतने डिले। Yeah, let's start the video. अल्लाह इन्हा कज़्ज़िरा। थोड़ा मन को शांत कीजिए, पॉलिटिक्स से बाहर आइए, थोड़ा सुनिए ध्यान। बहुत अहम है तज़किरा, ज़िक्रा, तज़कीर, फज़क्किर बिल कुरान, क्या मानी है इसका? मुझे लगा वीडियो टच करके दे दिल को खरी। मुझे ऐसा लगा रुकी हुई है वो, कहां से निकाल दिया। याद दहानी सही तरीन तर्जुमा है, याद दहानी। एक है किसी को कुछ सिखाना, नई बात सिखाना, एक है याद दहानी। उसे चीज मालूम थी, कोई भूल गया, याद कराना। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको बहुत कीमती कलम दिया था, आपने उसे बहुत संभाल कर अपने ट्रंक में रख दिया। अब साल हा साल हो गए न दोस्त से मुलाकात, न वो याद। अचानक आपने किसी रोज ट्रंक खोला और वो कलम आ गया, तो आपको दोस्त याद आ जाएगा कि नहीं? सही है। इसीलिए कुरान आफाक व अनफुस के लिए आयात कहता है, हम अपनी आयात दिखाएंगे तुम्हें, निशानी जिसको देखकर तुम हमें पहचानोगे। और तज़किरा का मतलब क्या है? पोटेंशियली ईमान हर इंसान के दिल में मौजूद है। ये जो रूह जो हमारे कल्ब की मस्कत नकीन है, इसमें अल्लाह की मारफत भी है, अल्लाह की मोहब्बत भी है। अलबत्ता जहूल के पर्दे पड़ गए हैं, भूल और निसियान तारी हो गया है, हम दुनिया ही के अंदर गुम होकर रह गए हैं। हमारी सारी दिलचस्पियां दुनिया से हैं, लिहाजा हमारी तवज्जो ही नहीं है, वरना हर इंसान के दिल में ये जो यहां हिंदुस्तान में कहते हैं आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का तो ताल्लुक बहुत गहरा है। इब्तिदा में बना दी गई थी अरवाह, जब हम सबके सब तमाम इंसान आदम से लेकर और ता कयामत जो इंसान आएगा दुनिया में उन सब की। तो मैंने भी सोचा था कि डॉक्टर जाकिर नायक है, बट नो, आई थिंक वो नहीं है। और लाइक हिंदुस्तान के बारे में जिक्र किया भाई डॉक्टर आसर ने। ओके, कर दी गई और पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, याद है। लिहाजा ये तज़किरा है, ये याद दहानी है, तुम्हारे अंदर मौजूद है। अल्लाह की मारिफत भी मौजूद है, अल्लाह की मोहब्बत भी मौजूद है, लेकिन कल्ला बल राना आला कुलूबहिम मा कानू यअमलून, इनके दिलों पर जंग आ गया है अब उनके आमाल की वजह से, शीशा जो है वो जंग आलूद हो गया। हुज़ूर ने फरमाया इन हाज़िहिल क़ुलूब लतस्तौ कमा यस्तौल हदीद इज़ा असाबहुल मा, इन दिलों पर भी जंग आ जाता है जैसे कि लोहे के ऊपर पानी पड़ता रहे तो उसको जंग आ जाता है। पूछा गया फमा जलाओ हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी तलवारों को जंग लगता है, हम पॉलिश करते हैं, सैकल करते हैं, वो फिर चमक उठती है, तो दिल पर अगर जंग आ जाए तो उसका इलाज क्या है? दो चीजें फरमाई, कसरत जिक्रिल मौत तिलावत कुरान, दो काम करो कसरत से, मौत को याद रखो, यहाँ रहना नहीं है, जाना है। This is the ultimate truth. मैं भी ये रखता हूँ, जब भी लाइफ में बहुत लॉस होता है या फिर कुछ होता है तो दिस इज थिंग, सबको पता है कि भाई रतन टाटा भी मरेंगे, लाइक जो अम्बानी भी मरेंगे, एलन मस्क भी मरेगा, हम भी मरेंगे, एवरी वन विल डाई। सो ब्रो गाइस, ओके चिल करें, एवरीथिंग इज इजी। ये हमारा घर नहीं है, ये हमारी मंजिल नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं है दुनिया में। हमारा असल घर जो हुजूर ने फरमाया इन्नम दुनिया खुलकत लकुम व अंतुम खुलकतुम लिल आखिरा, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई, तुम आखिरत के लिए बनाए गए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कुन फिद दुनिया कान्नक गरीबुन आबिर सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे राह चलते मुसाफिर हो या अजनबी हो। अपने बारे में फरमाया माली वाली दुनिया मुझे तुम्हारी दुनिया से क्या सरोकार, इन्नमा मसली करा के मिन इस्तज़ल्ला तहता शजरतिन सुम्मा राहा फतरका, मेरी मिसाल उस मुसाफिर की सी है जो जरा सस्ताने के लिए किसी दरख्त के साए में बैठता है थोड़ी देर,
वो उसका घर तो नहीं है, उसकी मंजिल नहीं है, फिर वो उसको छोड़ता है, अपना रास्ता लेता है। ये अगर हमारा तस्वुर कायम हो जाए, कल्ला इन्नहा तज़किरा, अब उसके बाद जो अल्फाज आए, फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहरतिन बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा, ये जो कुरान है, जो तज़किरा है, ये बड़े ही इंतहाई पाकीजा सहीफों में है, फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, बड़े बाइज़्ज़त मरफूअतिन मुतहरतिन, मरफू बुलंद और इंतहाई पाक, बेअदी सफरतिन, ये किनके हाथों में है, लिखने वाले वो फरिश्ते, बेअदी सफरतिन किरामिन बररा, जो नहायत बाइज्जत है, बहुत वफादार है अल्लाह के। यानी असल कुरान कहां है, लौहे महफूज में है। असल कुरान कहां है, अभी अगली जो पढ़ेंगे हम, किताब मकनून, छुपी हुई किताब के अंदर है। असल कुरान कहां है, वइन्नहा लफी उम्मिल किताब लदैना लअलियुन अज़ीम, ये तो उस उम्मुल किताब में जो हमारे पास है, बहुत बुलंद है, बहुत अजमत वाला है। वेरी गुड वीडियो, एक्चुअली वेरी गुड वीडियो। मैं बहुत बिजी चल रहा पिछले कुछ महीने से, बट दिस वीडियो इज लाइक, हाँ भाई, लाइफ इज जस्ट फेक, जो भी सब कुछ फेक है, मौत एक सच्चाई है। एंड सही बोला, लाइफ ऐसे जे चलते फिरते मुसाफिर जैसे, ओके। एंड द थिंग इज, अब जैसे एग्जाम्पल हम पॉलिटिक्स में से जाएंगे, लगे पड़े हैं सारे, लगे पड़े हैं कि मैं पीएम बनूंगा, लगे पड़े हैं कि लाइक हमारी पार्टी जिताओ, मतलब सब लगे पड़े हैं भाई, किसी को कुछ नहीं पता भाई तुम्हें कल उठना भी है नहीं, ओके। मतलब कुछ होती हैं चीजें जो रियलिटी हिट करती हैं। इमरान खान है पीटीआई में, अभी उनको क्या पता था कि मैं जेल जाने वाला हूँ, वो तो एक पीएम है ना, इतने बड़े लेवल पे आर्मी। अब पता है तुम्हें, दावेदार से इमरान खान से अलग बात होगी, टीएलपी के जो थे, जो मतलब एक तरह से सब फेस वैल्यू थे पॉलिटिकल पार्टी के, जिनका नाम था रिजवी, वो उनके लाइक प्रॉपर थे, मतलब बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग थी उनकी, लाइक ही इज नो मोर, वो उनकी डेथ भी हो चुकी है, इमेजिन कि सच है। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि गाइस एग्जैक्टली ये सब फेक है। मैं लाइक थैंक गॉड मैंने वीडियो देखी, तो इससे क्या होता है कि ना, जो लाइफ चल रही है ना, उसमें एक रियलिटी चेक चाहिए होता है, जो कि आज अच्छा मिला, 5 मिनट की वीडियो थी ना, लाइक इट, ओके, नाउ थोड़ा शांत होकर चलेंगे। जो लोग एक चीज को लेके बैठ जाते हैं कि हाय हमारी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, छोड़ो, लीव इट, बहुत छोटी जिंदगी है, पता नहीं है कल क्या होना है, एग्जैक्टली, तो एंजॉय करो लाइफ को। और हम सिर्फ ज्ञान नहीं देते, लिटरली बात कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत बुरी चीजें होती है, हम भी ऐसे ओवरकम करते हैं, मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन, वो चीज ढूंढते हैं जहाँ पे खुशी है। Okay, so yeah, you guys also follow that. A very good video by Dr. Israr Ahmed. Thank you. Okay, thank you, jisne suggest kiya the video. Main next video mein, peace out.